हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेक श्योर कि आप अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर दोस्तों आप भी अपनी पेन ड्राइव को या अपनी हार्ड डिस्क को या अपने मेमोरी कार्ड को अपने डेस्कटॉप या अपने पीसी में उसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हो, तो आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों हम कि अपनी पेन ड्राइव को या अपने हार्ड डिस्क को या अपने मेमोरी कार्ड को आप अपने डेस्कटॉप या अपने पीसी में एक सिंपल क्लिक के साथ कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और इसमें एक नया डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्टर ठाकुर एंड वेलकम टू हाउ टू मेक केटर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल हाउ टू मेक केटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और सबसे पहले आप उसको वॉच कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, पेन ड्राइव को या अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए या अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे माई कंप्यूटर पे। तो माई कंप्यूटर पे जाने के लिए सबसे पहले हम डबल क्लिक करके अपने माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाएंगे फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक चीज़ करनी है कि आपकी जो पेन ड्राइव है उसका आपको साइज़ देखना है कि वो 16 GB की है या 32 GB की है या वो 64 GB की है या आपकी हार्ड डिस्क 1 TB है या 2 TB है, 2 TB है, तो वो आपको चेक कर लेना सबसे पहले। जैसे कि मेरे केस में 32 GB की पेन ड्राइव मैं फॉर्मेट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो मेरे केस में मैंने पेन ड्राइव को लगा दिया और लगाने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये जो मेरी पेन ड्राइव है यहाँ पे आ गई है। इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर डाटा भी ऑलरेडी पड़ा है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर एक वीडियो फोल्डर। तो इसको हम फॉर्मेट करेंगे। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके ऊपर आएंगे हम। इसके ऊपर जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद इसमें देखेंगे आप सबसे नीचे आएंगे, नीचे से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप कि आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप मान लिया कि आपकी या आपके लैपटॉप में कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी है, गलती से आप उसको फॉर्मेट ना कर दो, तो उस सबसे पहले इसकी कैपेसिटी चेक कर लेनी है फ्रेंड्स आपको। तो सबसे पहले आप इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे तो 32 GB की जो पेन ड्राइव है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है वो 29.5 GB ऑलरेडी इसकी शो कर रही है। तो जो मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, मैं अपनी पेन ड्राइव को ठीक फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप करेंगे तो आपकी जो 32 GB, मेरे पास 32 GB पेन ड्राइव लगी है तो मैं इसको फॉर्मेट करूँगा। तो यहाँ पे आप आएंगे फाइल सिस्टम, यहाँ पे इसको फाइल सिस्टम में आपको FAT32 सेलेक्ट कर लेना है। तो FAT32 सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्विक फॉर्मेट का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, विदाउट चेक मार्क मिलेगा या चेक मार्क मिलेगा, अगर नहीं लगा है तो आप इसको चेक मार्क कर लेना। तो जैसे ही आप इसको चेक मार्क करेंगे और इस पर सबसे नीचे आएंगे तो इस पर स्टार्ट करना आपको। जैसे ही आप स्टार्ट क्लिक पे करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि वार्निंग देगा आपको कि जो आपकी पेन ड्राइव उसको ओल्ड डेटा फॉर्मेट करना है या नहीं करना है। तो आप सिंपली इस पर ओके, अगर आपको पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं करनी है तो आप इस पर कैंसिल बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्मेट करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो पेन ड्राइव या फॉर्म ये आपकी पेन ड्राइव है वो कंप्लीट हो गई है, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई है। तो देखा दोस्तों कि एक सिंपल क्लिक के साथ अपनी या अपनी पेन ड्राइव को या अपनी हार्ड डिस्क को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फॉर्मेट से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।